एक और खूबसूरत स्नीकर हॉल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। दुनिया में स्नीकर के बहुत सारे ब्रांड है, लेकिन अगर एक डिसेंट प्राइस प्रीमियम बिल्ड इंटरनेशनल ब्रांड स्नीकर को ऐड करोगे ना, तो आपके दिमाग में बस एक ब्रांड आता है, वो है पूमा। पहला जूता है हमारे पास में पूमा का लाल लाल बॉक्स। मॉडल नंबर का नाम है सॉफ्ट राइड प्रीमियर स्लिप ऑन। प्राइसिंग है 5999। वो पे नहीं कर रहा, डोंट वरी, फटाफट निकालते जूते को। जूता आगे हमारे पास में मेजरली जूते में आपको तीन कलर देखने को मिलेंगे, ब्लैक, ग्रे एंड व्हाइट। तीनों बहुत ही ज्यादा बेसिक, खूबसूरत एंड वर्सेटाइल कलर है। पैकिंग बहुत अच्छे से की गई है। फटाफट कागज को निकालते हैं और अंदर का वेट चेक करते हैं। क्या बोला तूने? अंदर का नहीं, वेट तो कहीं से भी पकड़ो वैसे होगा ना। बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा हेवी भी नहीं कहूंगा। अपर बिल्ड की बात करें तो पूरी जो बॉडी है इसकी मेश से बनाई गई है और ये स्लिप ऑन जूता है, यानी फ्यूज टंग इसमें आपको देखने को मिलेगा, कोई सेपरेट टंग नहीं है। ऊपर में आपको लेस देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर पहनने के बाद ग्रिपनेस की बात करें ना, तो चूंकि इसकी बॉडी हल्की इलास्टिक जैसी बनी होती है, पहनते ही साथ आपके पैरों में ग्रिप आ जाएगा। ये लेस बस ना मात्र टाइट करने के लिए होता है। डुअल कलर में आपको इसके लेस मिल जाएगा, ग्रे एंड ब्लैक में। साइड साइड देखोगे ना तो हल्की हल्की आपको लेदर जैसी पैचिंग देखने को मिलेगी, हालांकि ये लेदर छूने में नहीं लगता। जूते के आउटर साइड में आपको पूमा की बड़ी बड़ी सी ब्रांडिंग मिल जाएगी और ठीक उसके फ्रंट में आपको पूमा का लोगो मिल जाएगा। पीछे आपको एक पुल टैब मिलता है और पीछे भी आपको एक लेदर पैच मिल जाएगा। एक अच्छी बात मुझे क्या लग रही है ना, इसके पूरे बॉडी में भी ना डिफरेंट टाइप के ना टेक्सचर्स बने हुए हैं, जो कि हनीकॉम जैसे दिख रहे हैं और खूबसूरत लग रहे हैं। साइड साइड की पैडिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा अगर कह रहा हूँ ना, एकदम ये मत समझना ना कि लचपच अंदर में करेगा। पैरों में जितना चाहिए रहता है कुशन, उतना यहाँ पर दे दिया गया है। इसमें आपको पूमा का बहुत पुराना दादा जमाना के टाइम वाला सॉफ्ट फोम प्लस इंसोल मिलता है, जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन बड़ी ही ना पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है इनके इंसोल के मामले में। कुछ नया लाई नहीं रहे भाई सालों साल से। आउटर सोल की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा सॉफ्ट ईवीए फोम यूज किया गया है। एक्चुअली ना इसकी क्वालिटी सच में बहुत ज्यादा इंप्रूव लग रही है। पीछे यहाँ पर देखोगे ना तो लिखा हुआ सॉफ्ट राइड, जो कि इसके मॉडल नंबर का नाम है। जूते के आउटर साइड में, आउटर सोल में ये जो ग्रे वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये सारा पेंटेड है, अलग से कोई रबर अटैच नहीं किया गया है। हालांकि पेंट बहुत अच्छे से किया गया है। हल्के हल्के आपको टेक्सचर्स इसमें भी देखने को मिल जाएंगे। पीछे की तरफ ना बड़ा ही थिक सोल यहाँ पर डाला गया है, लिटरली समझ लो कि 1 इंच से भी ज्यादा इसमें फोम यूज किया गया है। बॉटम सोल में आपको ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हार्ड रबर ग्रिप मिल जाएगा, बीच में नहीं दिया गया अच्छे से फ्लेक्स होने के लिए, थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग भी इसे कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल पैरों में पहनने के बाद भाई जूता बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। टैंक के ऊपर भी आपको एक लेदर का पैच मिल जाएगा, जिसमें पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इवन इसके फ्रंट पार्ट में भी देखोगे ना तो छोटू सा आपको यहाँ पर भी लोगो देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल पूमा के जितने भी शूज होते हैं ना, वो हाइब्रिड शू होते हैं, आराम से जा सकते हो अगर आपको देखने में अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, सो पूमा के एक और जूता है हमारे पास में। पूरे हॉल में ना भाई खाली लाले लाल पान खुकल है, यानी कि पूमा का डब्बा है। मॉडल नंबर यहाँ पर एविएटर प्रो फॉर्म स्काई। प्राइसिंग यहाँ पे लिखी हुई है 7999। भाई साहब क्या है, जरा देख ले दोस्तों, ऐसा एक्टिंग करना पड़ता, सब पता है कि क्या है। ऑलराइट, जूते निकालो। कागज निकालो। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ऑडियंस मजा ले लेगा। निकाल निकाल, मार मार मार। बात तो सही है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट जूते की अगर बात करें, एक बहुत ज्यादा खूबसूरत हाई क्वालिटी रनिंग शू है। पूरी अपर जो बॉडी है वो मेश से तो बनाई गई है, लेकिन बड़ा ही डिफरेंट टाइप का अपर मटेरियल है। एग्जैक्टली इसे मेश भी नहीं कहा जा सकता। साइड साइड की पैडिंग वैडिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। टंग आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। पूरा मेश का ऊपर में आपको लेदर पैच मिलेगा, जिसमें पूमा की ब्रांडिंग मिलेगी। और फ्रंट में भी देखोगे तो यहाँ पर आपको एक व्हाइट कलर की पूमा की ब्रांडिंग मिलती है। मेनली इसमें भी आपको दो कलर देखने को मिलेंगे, व्हाइट है और ब्लैक है, और कहीं कहीं पे ग्रे है। तीन हो गया। तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। हल्के हल्के ना यहाँ पर आपको ऐसे चेक्स टाइप के ना पैटर्न देखने को मिलेंगे पूरे जूते में। और आउटर साइड में आपको ये पूमा का स्ट्रिप देखने को मिल जाएगा, जिसपे व्हाइट कलर की आउटलाइनिंग है। पीछे की तरफ आपको रबर टाइप की कोटिंग मिलती है और छेद छेद मिलता है, हालांकि वेंटिलेशन नहीं होगा, बस डिजाइन का पार्ट है। पीछे आपको पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। अंदर की बात करें तो इसमें थैंक गॉड वो सॉफ्ट फोम नहीं है, हालांकि इनसोल की क्वालिटी अच्छी है। अंदर में सिर्फ लिखा हुआ है रन हागल। अंदर में आपको पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, अंदर अंदर तक आपको कहीं पे ऐसा रखड़ फकड़ टाइप का फील नहीं होगा। और ये है भाई मेड इन कंबोडिया। यहाँ पर अगर बात करें तो इसका आउटर सोल बना हुआ है बहुत सॉफ्ट फोम से। फोम का इन्होंने नाम दिया है प्रो फोम लाइट। नीचे आपको हार्ड रबर ग्रिप मिल जाएंगे, पूरे जूते पे बहुत अमेजिंग ग्रूव्स बने हुए हैं। नीचे आपको पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, फ्रंट में भी पूमा की ब्रांडिंग मिलेगी। ओवरऑल अगर बात करें ना, एक बहुत हाई क्वालिटी एथलीट शू इसे बोल सकते हो। प्राइसिंग की बात करें तो आपको समझ लो कि जितना मैंने आपको एमआरपी दिखाया ना, ठीक उससे आधा के आसपास को मिल जाएगा। डील बहुत ज्यादा तगड़ी है, क्योंकि जूता बहुत ज्यादा तगड़ा है। इसका मेरे पास एक और कलर भी है, वो भी आपको दिखाता हूं। सेम बॉक्स, सेम नाम, सेम प्राइसिंग, कलर अलग है, जूता बहुत ज्यादा जबरदस्त है। और ऐसा अगर दूसरे मॉडल की बात करें तो इसमें कुछ कुछ चीजें आपको देखने को अलग मिलेगी। आउटर सोल पूरा सेम है, सेम मटेरियल, सेम फोम, हालांकि इस वाले जूते में ना आपको कहीं भी ऐसा कलर नहीं मिलता। इसमें आपको साइड साइड में ना ये ग्रीन कलर पेंटेड मिलेगा। वहीं अगर इसके अपर बॉडी की बात करें ना, सेम दोनों मटेरियल से बने हुए हैं, लेकिन इसके फ्रंट में ना बहुत सारे होल्स मिल जाएंगे, जो
कि वेंटिलेशन के लिए काम करेगा, इसमें भी वेंटिलेशन होगा, लेकिन जैसा इसमें विजिबल छेद है ना, इसमें आपको वो चीज नहीं मिलेगी। इस होल के साइड साइड में आपको पूरी रबर की कोटिंग मिल जाएगी, और ऐसा कलर यूज किया गया है ना कि पूरे बॉडी से मैच कर जा रहा है, तो ऐसा पता नहीं चलता अलग से। हालांकि आपके लेस को पूरा एकदम स्ट्रेंथ मिल जाएगा इससे, इवन लेस के टिप में भी ना आपको रन और पुमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। भाई बहुत खतरनाक डिटेलिंग ऐड की गई है इसमें भी थी। अरे तू काम की बात देर में बोलता है, इतनी सारी छोटी छोटी डिटेलिंग होती है ना, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। हालांकि एक्सपीरियंस की बात करें तो पहनने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। ऑब्वियसली 3-4 हजार रुपए इसके लिए आपको आसपास के पे करने पड़ेंगे। टॉप जूता है, रनिंग कर लो, घूम लो, जिम जा लो, जो करवाना है इसे करवा लो, सब में ये आपका साथ देगा। बस मम्मी के हाथ में मत दे दे, जो प्रो फोम लिखल है ना, यहाँ से एकदम ग्रो फोम होगा, मार मार के फुला देगा, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। ऑलराइट, नेक्स्ट पूमा का जूता हमारे पास में, फिर से लाल वगैरह, लाल देख रहे मोतिया बिंद हो जाएगा। पूमा वियर्ड रन, ऐसा ऐसे दौड़ने का वियर्ड तरीके। यहाँ पर प्राइसिंग लिखी हुई है 4499। भाई बहुत ज्यादा पॉपुलर जूता है ये, लिटरली मैंने जूते को ना हजारों, ऐसा बोल दूंगा तो आप खरीदेंगे नहीं। कोई नहीं पहना यार, एकदम नया नया मास्टरपीस है, समझ। अबे साले, कागज निकालते फटाफट और देखते जूते को। एक्चुअली बहुत ज्यादा लाइटवेट जूता है। मेजरली इसमें आपको दो कलर देखने को मिलेंगे, नेवी ब्लू एंड व्हाइट। पूरी अपर बॉडी जो है इंजीनियर्ड मेश से बनाई गई है, हल्का हल्का स्ट्रेच होती है, वेंटिलेशन के लिए बहुत सारे होल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। साइड साइड पैडिंग वैडिंग बहुत अच्छी है, पीछे आपको एक पुल टैप मिल जाएगा, उसके ठीक नीचे आपको एक लेदर का पैच मिलता है, जिसमें ना शाइनी ब्लैक से ना ऐसे करके डिजाइनिंग बनाई गई है, और ठीक सेंटर में आपको रेड कलर से पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। वही लेस के साइड की बात करें तो लेस के साइड साइड में भी आपको रबर की कोटिंग मिलती है, साथ ही इसमें मेटल के आईलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे लेस के जो छेदे होते हैं ना उसमें आ जाता है शक्तिमान। कुछ भी मेश से बना हुआ पूरा आपको टंग मिल जाएगा, ऊपर में छोटी सी पूमा की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, ब्लैक कलर का लेस है, टिप पे आपको कोई भी ब्रांडिंग व्रांडिंग इसमें नहीं मिलती है। लेकिन अलग चीज आपको क्या दिख रही है जूते में, फ्रंट में एक बड़ा सा इलास्टिक पीस, जिसके ऊपर आपको पूमा की ब्रांडिंग मिल रही है। एक्चुअली क्या ये बस डिजाइन का पार्ट है, क्या इससे आप सौंदर्य दिखोगे? बिल्कुल नहीं। जब आप इसे पहनोगे ना, आपके फ्रंट वाले एरिया में ना एक्चुअली थोड़ी सी ना ग्रिपनेस ऐड हो जाती है। अंदर की तरफ आपको सॉफ्ट फोम प्लस मिल जाएगा, जिसकी क्वालिटी अच्छी हमेशा से चली आ रही है। इनर सोल की बात करें तो यहाँ पर वही पूमा का सारा घिसा पटा सॉफ्ट फोम। आउटर सोल की बात करें तो ईवी फोम आपको देखने को मिल जाएगा, व्हाइट कलर का है, हल्का से यहाँ पर ना ऐसा चढ़ा के डिजाइनिंग बनाया गया है, जिसपे पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी पेंटेड। नीचे की तरफ आपको फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में सिर्फ आपको हार्ड रबर ग्रिप मिलता है, नीचे आपको पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। एंड ओवरऑल जूते को ना बहुत बैलेंस तरीके से सही बनाया गया है। ओवरऑल पहनने में जूता बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगता है, एंड डेफिनेटली अगर आप जाना चाहो इस खूबसूरत पूमा के स्निकर के लिए, आराम से जा सकते हो, कलर बहुत अच्छा है। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड लास्ट जूता है हमारे पास में पूमा का, एक और बहुत खूबसूरत सा लाल 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 लिखी हुई है 4499। पीछे अगर देखे तो मॉडल नंबर कहाँ है भाई? आ गया रे भाई, अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। मॉडल नंबर का नाम है पूमा स्मैसिव। ओ भाई, ये मस्त चीज है मेरे दोस्त, जस्ट लुक। व्हाइट स्नीकर देखे ना, दिल एकदम गदगद हो जाता है। कागज को निकालते हैं, कागज को फेंकते हैं, और निकालते हैं और फेंकते हैं। ऑलराइट, सो जूता है हमारे पास में एक बहुत ज्यादा खूबसूरत पूमा का व्हाइट स्नीकर। ऑलराइट, सो मटेरियल आप सबको पता ही होगा, बहुत बार मैंने इस जूते को दिखाया हुआ, पूरी अपर बॉडी जो है व्हाइट प्रीमियम लेदर से बनाई गई है। एक्चुअली लेदर की क्वालिटी अगर आप कभी हाथों से चेक करोगे ना, आपको मजा आ जाएगा। साइड में आपको लेदर पैच के ही थ्रू यहाँ पर पूमा का स्ट्रिप डिजाइन किया गया है, हालांकि ये दूसरी तरफ नहीं मिलता है, थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग, लेकिन भाई ये मस्त दिखता है। साथ ही दोनों लेदर में ना फर्क है, बॉडी वाला जो लेदर है ना सिंपल प्लेन स्मूथ लेदर है, लेकिन वही स्ट्रिप वाला जो लेदर है ना उस पर आपको हल्के हल्के ना टेक्सचर्स देखने को मिलेंगे। ऊपर में आपको पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जो कि सिल्वर से की गई है, पेंटेड है, व्हाइट कलर के लेस आपको देखने को मिलेंगे, पूरा मेस का टंग बनाया गया है, ऊपर में आपको पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, बीच में आपको टंग होल्डर देखने को मिल जाएगा, साइड साइड की पैडिंग वैडिंग अच्छी है, इसमें आपको सॉफ्ट फोम प्लस फिर से देखने को मिल जाएगा, क्वालिटी बहुत अच्छी है। आउटर सोल पूरा रबर का बना हुआ है, फ्लैट है स्केट शू की तरह, नीचे आपको पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, पीछे आपको एक पूमा की ब्रांडिंग मिलती है। और ऐसे ही ऐसे करते करते ना इसके और हजार तारीफें की जा सकती है। सीधी बात यह है कि आप किसी भी आउटफिट को पहनकर अगर इस जूते को नीचे डालोगे ना, आप एकदम कैसे इशारे कर रहा था, ये क्या मतलब है इसका? दिखोगे ही नहीं, इतने जबरदस्त लगोगे। जोक्स अपार्ट गाइस, लेकिन लो टॉप स्नीकर और वाइट स्नीकर और एक लेदर स्नीकर, मतलब ये तीनों चीज जब एक जूते में मिले ना, समझ लो कि एकदम घातक ब्रह्मास्त्र है। तो अगर आपको एक पहला वाइट स्नीकर लेना है ना ब्रांडेड, तो आप इस जूते के लिए आराम से जा सकते हो। सारे जूतों के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, बेस्ट रीजनेबल प्राइस के साथ में। पैर में पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, इन सारे जूते को आप जाकर देख सकते हो पीछे मेरे बी रोल पे जब चल रहा होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, मैं इसकी वीडियो लाइक करके चैनल जाकर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम में टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। उतर क्यों रहा है अभी के लिए, बाय, जय हिंद, पेश, बूम।